हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस 4.0 में स्वागत है। मैं विकास आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आपको यूपी पुलिस 2023 के लिए इतिहास पढ़ा रहा हूं, वो भी कंप्लीट टॉपिक वाइज। और जो हमने पिछली वीडियो में बात करी थी, हमने बौद्ध धर्म तक बहुत बेहतरीन तरीके से समाप्त कर चुके हैं। और जो आज हमारे इतिहास का नेक्स्ट टॉपिक है वो है जैन धर्म। जैन धर्म की हमारी दो वीडियो आएंगी। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है जैन धर्म का, और जैन धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हुआ, और जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए हैं, 24ों के बारे में नहीं पढ़ना है। हमें जो जो हमारी परीक्षा के लिए मुख्य है उनको हमें बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, जिससे कि आप क्वेश्चन बना पाए। अगर आप यूपी पुलिस ही नहीं बल्कि किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आपको पढ़ाने का मेरा एक ही ध्येय है कि आपको जितनी भी चीजें पढ़ाई जाए, आपको इतनी चीजें पढ़ाई जाए कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, तो इसी ध्येय को आगे बढ़ाते हुए आपका भी एक ध्येय है कि आप भी एक स्टूडेंट की तरह बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बनाएं और इनको पढ़ें और अच्छे से रिवाइज करें। तो चलिए, जो प्यारे भाई नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। चलिए दोस्त, देखिए जो हमारा जैन धर्म है, मैंने आपको बताया कि जैन धर्म के कितने तीर्थंकर हुए हैं, 24 तीर्थंकर हुए हैं। तो ये जो हमारे जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हैं, इनको बताया गया है एक कल्पसूत्र पुस्तक में। आपसे पूछा जाएगा कि जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों को किस पुस्तक में बताया गया है, कल्पसूत्र में बताया गया है, और ये पुस्तक भद्रबाहु के द्वारा लिखी गई है। लेखक भी आपसे पूछा जा सकता है कि कल्पसूत्र के लेखक कौन है, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, तो कौन है, भद्रबाहु है। और जो हमारा ये जैन धर्म है, जैन धर्म हमारा सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन था, यानी कि जो हमारा जैन धर्म है उस टाइम का है जिस टाइम सिंधु घाटी सभ्यता थी। ठीक है, समकालीन का मतलब होता है उसके समान। ठीक है, उसके पैरेलल जो है आपका बौद्ध धर्म, सॉरी जैन धर्म चल रहा था। चलिए अब बात करते हैं जैन धर्म के तीर्थंकरों के बारे में, जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट पूछा जाता है। देखिए, जो हमारे जैन धर्म के सबसे पहले तीर्थंकर कौन है, वो है ऋषभदेव, और इन्होंने ही जैन धर्म की स्थापना करी थी। ठीक है, तो जैन धर्म के संस्थापक कौन है, जैन धर्म के संस्थापक आपके कौन है, ऋषभ देव है। ठीक है, इनके प्रतीकों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या है, सांड है। ठीक है, और अगर बात करें इनके उपनामों की, इनके उपनामों से भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि आदिनाथ किसको जाना जाता है आदिनाथ के नाम से, तो आपका आंसर क्या होगा, ऋषभदेव। ठीक है, जो इनका पहला उपनाम मैंने आपको बताया आदिनाथ है, या केसरिया देव, केसरिया देव के नाम से भी इन्हीं को जाना जाता है। और जो ये इनके दो नाम है, ये किसमें बताए गए हैं, इन दोनों नामों का वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। आपसे पूछा जाएगा कि आदिनाथ के नाम से जाने जाने वाले ऋषभदेव का वर्णन किस वेद में है, तो आपका आंसर होगा ऋग्वेद। ठीक है, अब बात करते हैं ऋषभदेव के पुत्रों जी के बारे में। देखिए, जो ऋषभदेव जी हैं उनके दो पुत्र हुए हैं, एक आपका भरत और एक आपका महाबली, इन्हीं को बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है। और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली की मूर्ति कहाँ पर है, ये है आपकी कर्नाटक में। ठीक है, और कर्नाटक में भी एक जगह पड़ती है श्रवण बेलगोला, वहां पर जो है आपकी बाहुबली की मूर्ति है। और जो ये मूर्ति है ये किसने बनवाई थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये चामुंडरा एक शासक थे, इन्होंने बनवाई थी। तो आपको याद रखना है, ये बातें आपकी ऋषभदेव जी के बारे में इंपोर्टेंट हो जाती है। अब बात करते हैं जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर के बारे में। देखिए, जो हमारे जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर है वो कौन है, अजीतनाथ है। अगर आपसे यहाँ से टफ क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको जैन धर्म के पहले तीर्थंकर न पूछकर दूसरे पूछ ले जाएगा, तीसरे पूछ ले जाएगा, या जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो 21वें, 22वें और 23वें। ठीक है, इनसे बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इस बात की आपसे गारंटी है। तो चलिए, जो हमारे जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर है वो कौन है, अजीतनाथ है, और इनका चिन्ह क्या है, इनका हाथी है। ठीक है, और तीसरे हमारे जैन धर्म के तीर्थंकर है संभवनाथ। ठीक है, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो घोड़ा है। तो दोस्त याद रखिएगा, प्रतीक चिन्हों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो क्या है, घोड़ा है। ठीक है, और जो हमारे जैन धर्म के 21वें तीर्थंकर हुए हैं वो कौन है, नमीनाथ है। कौन है, नमीनाथ है, जिनका
प्रतीक चिन्ह नील कमल है। और अगर बात करें जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर के बारे में, दोस्त एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि मैंने सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, कुछ भी फालतू का नहीं आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो देखिए 22वें तीर्थंकर की बात करते हैं जैन धर्म के, ये आपके अरिष्टनेमी है और जिनको नेमीनाथ के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा नेमीनाथ अलग है और नमीनाथ अलग है। नमीनाथ 21वें तीर्थंकर है और नेमीनाथ 22वें तीर्थंकर है, जिनका चिन्ह क्या है, संक है। और अगर बात करें जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर के बारे में, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में कई कई बार पूछे गए हैं। और देखिए बात करते हैं जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर के बारे में, मैंने आपको बताया कौन है, पसरोनाथ है। और पसरोनाथ को ही क्या कहा गया है, निग्रंथ कहा गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि निग्रंथ किसको कहा गया है जैन धर्म में, पसरोनाथ जी को कहा गया है, जिनका प्रतीक चिन्ह सांप है। चलिए अब बात करते हैं पसरोनाथ जी के बारे में थोड़ा सा और, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन जाते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिये जो हमारे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हुए हैं पसरोनाथ, इन्होंने चार शिक्षाएं दी, इन्होंने चार शिक्षाएं दी। और ये जो आपकी चारों शिक्षाएं कौन कौन सी है, एक आपका सत्य है, एक अहिंसा है, और एक आपका अस्तेय है, और एक आपका परिग्रह है। देखिए मैं आपको बता देता हूं, सत्य क्या होता है, सत्य होता है सच, यानी कि हमें सच बोलना चाहिए, ठीक है। और दूसरा जो है हमारा अहिंसा, यानी कि हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी के साथ मार पिटाई, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, ठीक है। और अस्ते, अस्ते क्या होता है, अस्ते का मतलब होता है चोरी ना करना, हमें किसी भी चीज की कोई चोरी नहीं करनी चाहिए, इसका मतलब होता है अस्ते का, ठीक है। और अगर बात करें अपरिग्रह, अपरिग्रह क्या होता है, धन संचय ना करना, मतलब हमें अपनी जरूरत से ज्यादा धन का संचय नहीं करना चाहिए, ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, ठीक है। ये जो हमारी चारों शिक्षाएं दी है, ये किसने दी है, पसरोनाथ जी ने दी है, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो आपकी चारों शिक्षाएं हैं, इनको क्या कहा गया है, इनको इनको जैन साहित्य में क्या कहा गया है, इनको जैन साहित्य में महाव्रत कहा गया है। क्या कहा गया है, महाव्रत कहा गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो आप याद रखेंगे, इंपोर्टेंट है। देखिए आगे बात करते हैं जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के बारे में, 24वें तीर्थंकर बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो देखिए जो हमारे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए हैं वो कौन है, आचार्य महावीर स्वामी जी हैं। और इन्हीं को क्या कहा जाता है, इन्हीं को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, यानी कि इन्होंने जैन धर्म को स्थापित करने में सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाई गई है, और यही वास्तविक संस्थापक कहलाते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है, महावीर स्वामी जी है। और जैन धर्म के संस्थापक कौन है, मैंने आपको बताया है कौन है, ऋषभ देव है। आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। इंपोर्टेंट क्यों है महावीर स्वामी जी, क्योंकि महावीर स्वामी जी ने जो आपकी जैन धर्म की चार शिक्षाएं हैं, इनमें एक शिक्षा और जोड़ी थी, पांचवी शिक्षा, कौन सी थी ये, इनको कहा गया है महाव्रत, मैंने आपको बताया है ऊपर अभी, ठीक है। जो महावीर स्वामी जी ने पांचवी शिक्षा जोड़ी थी उसको क्या कहा गया है, ब्रह्मचर्य कहा गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महावीर स्वामी ने जैन धर्म में कौन सा महाव्रत जोड़ा था, तो कौन सा जोड़ा था, ब्रह्मचर्य जोड़ा था। चार तो पहले थे और एक और इन्होंने ऐड किया था, पांचवा ब्रह्मचर्य का, ठीक है। अब जो हमारे महावीर स्वामी जी हैं, महावीर स्वामी जी से क्या क्या इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो भी देख लीजिएगा। देखिए यहां से पूछा जाता है इनका प्रतीक चिन्ह, महावीर स्वामी जी का प्रतीक चिन्ह क्या है, आपका शेर है या सिंह है। अगर बात करें इनके जन्म के बारे में, ठीक है, यहां से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि महावीर स्वामी जी ही क्या है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक है, तो इसीलिए इनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए अगर बात करें महावीर स्वामी जी के जन्म के बारे में, देखिए इनका जो जन्म है 540 BC में हुआ था, कहां पर हुआ था, कुंडग्राम में, और जगह कौन सी है, वैशाली, यानी कि वैशाली के कुंडग्राम में महावीर स्वामी जी का जन्म 540 BC में हुआ था। अगर बात करें इनकी मृत्यु के बारे में, देखिए जो महात्मा सॉरी जो हमारे महावीर स्वामी जी हैं, उनकी मृत्यु कब हुई थी, 468 BC में हुई थी, और कहां पर हुई थी, पावापुरी में, और कौन से दिन, दीपावली के दिन। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महावीर स्वामी जी की मृत्यु किस दिन हुई थी या किस त्योहार के दिन हुई थी, तो उस दिन कौन सा त्योहार था, दीपावली का दिन था उस दिन, जिस दिन आपकी महावीर स्वामी की
मृत्यु हुई थी। अगर बात करें इनके पिता के बारे में, देखिए जो महावीर स्वामी जी है इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और जो जात्रक वंश के थे, ये जात्रक ऐसे नहीं बनता, ये वर्तनी गलत है, जात्रक बनता है ऐसे, ठीक है। देखिए महावीर स्वामी जी के पिताजी जात्रक वंश के थे या इक्ष्वाकु वंश के थे, ठीक है, और ये वही इक्ष्वाकु वंश है जिस वंश के भगवान श्री राम जी थे, ठीक है। वो भी आपको बात याद रखना है कि भगवान श्री राम जी किस वंश के थे, इक्ष्वाकु वंश के थे, ठीक है। अगर बात करें इनकी माता के बारे में, देखिए महावीर स्वामी जी की माता का नाम त्रिशला था जो लिच्छवी वंश की थी, और इनके भाई का नाम क्या था, राजा चेटक। आपसे पूछा जाएगा कि महावीर स्वामी जी की माता त्रिशला किसकी बहन थी, ये थी आपकी राजा चेटक की बहन। चलिए अब बात करते हैं कुछ और इनके बारे में जो इंपोर्टेंट फैक्ट है, सब कुछ आप इस वीडियो में कवर कर लेंगे, इस बात की गारंटी है। देखिए अगर बात करें इनके बचपन के नाम के बारे में, इनका देखिए जो बचपन का नाम है वो वर्धमान था, इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, ठीक है, यानी कि इनका अब विवाह भी हो चुका है किसके साथ, यशोदा के साथ, ठीक है। और विवाह होने के बाद इनके एक पुत्री पैदा हुई जिसका नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महावीर स्वामी जी की एकमात्र पुत्री का नाम क्या है, अनुजा प्रियदर्शनी था, ठीक है। अब पुत्री भी हो चुकी है, जब पुत्री हो जाती है तो उसका विवाह भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो महावीर स्वामी जी ने अपनी पुत्री अनुजा प्रियदर्शनी का विवाह करा जमाली से, ठीक है। तो जमाली कौन हुए, जमाली इनके दामाद हुए, ठीक है। इनके दामाद कौन है, जमाली है, जिनको इन्होंने ज्ञान प्राप्त होने के बाद सबसे पहला उपदेश दिया था, और किस भाषा में दिया था, अर्धमागधी भाषा में। और स्थान भी आपसे पूछा जाता है कि पहला उपदेश जमाली को कहां पर दिया गया था, ये आपका राजगृह में दिया गया था, कहां पर, राजगृह में दिया था। और आपसे क्वेश्चन ये है कि राजगृह में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी, आपको इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि राजगृह पर कौन सी बौद्ध संगति हुई है। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आप इसका आंसर डेफिनेटली कमेंट में जरूर छापेंगे, ठीक है। ये तो बात हो गई इसके दामाद के बारे में, अब करते हैं इनकी बात आगे। देखिए मैंने आपको बताया है कि इन्होंने अपने पहला उपदेश अपने दामाद जमाली को दिया था, कहां पर, राजगृह में, और किस भाषा में, अर्धमागधी भाषा में। लेकिन बाद में इनकी भाषा जो है प्राकृत हो गई थी, बाद में इनकी भाषा जो है प्राकृत हो गई थी, प्राकृत ऐसे लिखा जाता है, इसमें थोड़ा सा टाइपिंग में एरर हो जाती है कभी कभार, ठीक है। तो इनकी भाषा कौन सी थी, प्राकृत भाषा थी, आपको याद रखना है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना पहला उपदेश तो दे दिया, ठीक है। पहला उपदेश देने के बाद आगे क्या घटना हुई, देखिए। देखिए 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा कि कितने वर्ष में महावीर स्वामी जी ने गृह त्याग किया था, तो 30 वर्ष की उम्र में, ठीक है। जैसे ही इन्होंने गृह त्याग किया, देखिए क्या हुआ, ये भटकते हुए जा रहे थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब आदमी घर छोड़ देता है, आप ही सोचिए, जब आदमी घर छोड़ देता है तो उसको किसकी याद आती है, उसको अपने दोस्त की याद आती है, तो ठीक है। तो 30 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ने के बाद ये पहले 6 वर्ष अपने मित्र मखमली गोसाल के साथ रहे, ठीक है। और ये वही मखमली गोसाल है जिन्होंने आगे चलकर आजीवक संप्रदाय की स्थापना करी थी, ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब दोस्त के साथ काम नहीं चला तो इसके बाद इन्होंने क्या किया, 12 वर्ष तक तप किया। देखिए तप करना क्या होता है, किसी एक स्थान पर बैठकर ध्यान करना क्या कहलाता है, तप कहलाता है। तो क्या करा इन्होंने, 12 वर्ष तक तप किया, और जिनमें पहला वर्ष क्या किया इन्होंने, पहला वर्ष बैठे ये अशोक के वृक्ष के नीचे, ठीक है। और अशोक के वृक्ष के नीचे बैठने पर जो है ये कहां, किस नदी के किनारे बैठे थे, ये स्वर्ण बालुका नदी के किनारे बैठे थे अपने पहले वर्ष, ठीक है। जब इन्हें लगा कि यहाँ पर कुछ हमें ज्ञान नहीं प्राप्त हो रहा है, तो इन्होंने अंतिम के जो 11 वर्ष है अपनी तपस्या, इन्होंने कितने साल करी है, 12 वर्ष करी है, और अपनी तपस्या के 11वें वर्ष, ठीक है, अंतिम 11 वर्ष इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपका शाल के वृक्ष के नीचे अपने जो है अंतिम के 11 वर्ष बिताए। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई वैशाख दशमी के दिन। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस दिन हुई थी, वैशाख दशमी का दिन था उस दिन, और किस नदी के किनारे हुई थी, रिजुपालिका नदी के किनारे हुई थी, और कौन सा वृक्ष था, साल का वृक्ष था, ठीक है। अब
महावीर स्वामी जी को ज्ञान प्राप्त हो चुका है और ज्ञान प्राप्त होने के बाद ये क्या कहलाए? ज्ञान प्राप्त होने के बाद ये केवलिन कहलाए, जिन या निग्रंथ इन्हीं को कहा जाता है। ये जिन वो जिन नहीं है जो आप समझ रहे हैं भूत वाला, ठीक है। जिन का मतलब भी मैं आपको भी बताता हूँ। देखिए, ज्ञान प्राप्ति के बाद ये क्या कहलाए? केवलिन कहलाए या जिन कहलाए या निग्रंथ भी इन्हीं को कहा जाता है। देखिए, केवलिन का मतलब क्या होता है अब समझिए। देखिए, केवलिन का मतलब होता है आत्मा व शरीर के बीच, यानी कि जो व्यक्ति आत्मा व शरीर के बीच होता है उसको केवलिन कहा जाता है आपका किसमें, जैन धर्म में। और अगर बात करें जिन के बारे में, देखिए जिन का मतलब क्या होता है, जिन्होंने अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली है, यानी कि जिन्होंने अपने मन में उत्पन्न होने वाली सभी इच्छाओं को मार दिया है या उन पर विजय प्राप्त कर ली है, कंट्रोल कर लिया है, उनको क्या कहा गया है? जिन कहा गया है। और क्वेश्चन पूछा गया है कि जिन शब्द किस धर्म से संबंधित है, तो आपका आंसर क्या होगा? अभी आपने पढ़ा है किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है जिन, ठीक है। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। अगर बात करें निग्रंथ के बारे में, निग्रंथ किनको कहा जाता है? निग्रंथ कहा जाता है जो व्यक्ति सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त हो, उसको क्या कहा जाता है? उसको निग्रंथ कहा जाता है। दोस्त, ये था हमारा जैन धर्म के बारे में, ठीक है। मैं आपको चाहता तो एक वीडियो में ही पूरा जैन धर्म कंप्लीट करा देता, लेकिन वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती, इसलिए इसका पार्ट टू आएगा, जिसमें हम जैन धर्म के तीर्थन के बारे में पढ़ेंगे और जितनी भी हमारी जैन संगतियां हुई है उनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्त, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना है। तब तक के लिए आपको इसी प्रकार से पढ़ते रहना है।